हमारा क्या काम है? अच्छा हरे कृष्णा। जी हाँ, मैं हूँ धर्मशाला में और आप हैरान होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैराग्लाइडिंग करने नहीं आया हूँ, कुछ और काम से आया हूँ। कौन कहता है कि भक्ति जीवन बोरिंग है? आप किसी भी अवस्था में भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत सरलता और आनंद के साथ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भक्त लोग सभी वादियों में आए हैं। नमस्ते, नमस्ते। हिंदी समझ जाता थोड़ा थोड़ा। अब हरे कृष्ण कौन कहा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए है आपका क्या बात है इसमें। हरे कृष्णा के कुछ दस स्लोट बोलता है इसमें। बुद्ध भवन में है हरे कृष्णा, है नहीं कृष्ण में बुद्ध है, एक ही है, एक ही है जो कृष्ण के अंदर बुद्ध है। सब चीज है, सब चीज एक ही है, शिव भी है, सब चीज पूरा का बोलेगा, धर्म का बोलेगा, शांति रख लो पूरा। शांति एक ही है काम है। शांति नहीं केवल नहीं, साथ साथ भी आनंद भी है। आनंद आनंद है, मुस्का रहा मजा में है। देखो सब हंस रहा है, मजा में है। अरे पैरा ड्राइव मजा नहीं। और इकट्ठा होके भगवान के नामों का कीर्तन एवं भगवान की कथाएं में योगदान देने आए हैं। चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही सरल शिक्षा थी, आप कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कहीं पे भी हो, हर समय भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके आप हमेशा भगवान के संपर्क में रह सकते हैं और इस भौतिक जगत की कलमश से मुक्त रह सकते हैं। तो आइए एक साथ कीर्तन करते हैं जोर से, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
इसलिए भगवान ने कहा भगवत गीता में अर्जुन को, अर्जुन मैया आसक्त मन पार्थ, तुम्हारा मन हम मुझे दो जैसे तुम्हारा मन मुझे आसक्त हो जाए। हाँ, तो इसलिए हमको हमेशा आपका पिक्चर रख दिया, तस्वीर राधा कृष्ण, इसका चरण ध्यान करना, इनका पोशाक आशाक मुस्कराता सब चीज याद करते करते इसमें आसक्ति आ जाए, इसका प्रसाद खाइए, इसको भक्त का संगत करिए, इनको सेवा करिए, इसमें आसक्ति हो जाता है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे है भगवान का ना, भगवान अंतिम उपदेश क्या दिया अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु वैशी सत्यंत पूजन आनी में प्रियोशी में। और भी और एक श्लोक है इसे बताता, तुम हमारा अर्जुन हमारा बहुत प्यारे है, हमारा प्रति तुम्हारा ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तुमको सबसे गुच्छ ज्ञान दे रहा उपदेश, फिर बता रहा एक दफे बोला दादा अगर तुम हमारा भक्ति करो मुझे मन हाँ मन मना बन जाओ, हम सबसे हमारा बात ध्यान करो तो हम के मन में तुम नमस्कार करो और हमारा उपासना करो, मन में हो इस घर में हो जहाँ भक्ति भावित हो करो तो तुमको प्रतिज्ञा कर रहा निश्चित मुझे प्राप्त होगा, हमारा धाम चला जाएगा जहाँ मैया है हमारा भगवान को, तो कोई मैया नहीं लेकिन कोई भगवान को लड़का माफिक हाँ प्यार करने चाहता तो जशोदा मैया है, देवकी है, रोहिणी है, आप चाहता उनको साथ मिलने, उसके साथ खेलने कूदने काम करने कृष्ण जी का सेवा करने, यही इसको ने मौका दे रहा आपको, अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट द डोर टक टक टक, ये आपका अवसर है आप इसका अच्छे तरह उपयोग कीजिए, कैसे ये भजन कीर्तन करके हरि कथा सुन के हर रोज। प्रचारक भक्तों को भी भगवान आनंद का मौका देते हैं, भक्त लोग भगवान की प्रकृति के अनोखे सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं। हमारी जितनी आवश्यकता है सभी भगवान ने ही प्रदान किया है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुंदर नजारे, कृपया इन सब की महत्व को समझिए और वातावरण को नष्ट ना करें। जाते जाते पालमपुर के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के लिए छोटा सा कार्यक्रम भी किया हमने।